हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा और आज मैं आपको लेकर आई हूं एक ऐसे शख्स से मिलवाने जो बिग बॉस के सफर को पूरा करके यहां पर आ चुका है, हमारे साथ है। जी हां, बीबी 10 से जो जिसका पहला एविक्शन हुआ है, प्रियंका जग्गा। प्रियंका, सबसे पहले तो टेलीविजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच प्रियंका जग्गा, आप सबको नमस्ते कहती है और हैप्पी दिवाली। वेल प्रियंका, क्या कहना चाहेंगे, जैसे बाकी लोग भी शॉक थे, आप भी शॉक हुई अपने एविक्शन से? नहीं नहीं, मेरे को क्यों शौक आएगा, या तो स्ट्रांग निकलता है या वीक निकलता है, कॉमन है ना, गेम है ये। तो या तो मैं स्ट्रांग हूँ या मैं वीक हूँगी, अभी जनता डिसाइड करेगी मैं स्ट्रांग थी कि वीक थी, क्योंकि आवाज़ तो मेरी बुलंद है। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को बुरी लगी होगी तो ऑडियो धीरे कर दो। वैसे क्या कहना चाहेंगे, आपका जो सफ़र था अंदर, मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि सेलिब्रिटीज़ को एकदम तगड़ा कंपटीशन देकर आ रही हैं आप। हाँ, सेलिब्रिटीज़ तो मैं ऐसे चलती थी तो कहते थे तुम मुझे डांट रही हो, घूर रही हो। मैंने कहा नहीं, आपने खाना ढंग का नहीं बनाया, पेट में खाना नहीं गया तो क्या एक्सपेक्ट करोगे कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। मैं कहा हाँ राहुल देव, वो खाना बहुत टेस्टी था, जो टेस्टी नहीं था। अब आप बताओ, मेरे से कोई आके पूछ रहा है नींबू कैसे काटेंगे, नींबू ऐसे कटेगा कि ऐसे कटेगा, अब क्या अपने बाल नहीं नोचने लगा। फिर गार्लिक, लहसुन, लहसुन का छिलका अलग और लहसुन अलग, कहता है सब्जी में क्या जाएगा। मैंने कहा सब्जी में तो ये लहसुन जाएगा, छिलका आपके मुंह में जाएगा। तो प्रियंका, अगर हम टास्क की बात करें तो ये तो खैर किचन की फाइट थी जहाँ पर आपने उन्हें तगड़ा कॉम्पिटिशन दिया ही, लेकिन टास्क की अगर हम बात करें तो टास्क में भी आपने उन्हें पछाड़ कर रख दिया था, और स्पेशली वो जो गौरव बानी ये सब जो थे, मतलब इन्होंने तो कभी उम्मीद भी नहीं की होगी उन्हें इतना तगड़ा कंपटीशन मिलेगा। रोज सुबह उठ के ये लोग योगा करते थे, जिम जाते थे, ठीक है। बानी मुझे कहती थी प्रियंका तुम ना जिम ज्वाइन करो। मैंने कहा जिम जाके मैंने क्या करना है, मैंने कोई रेसलर तो बनना नहीं है। तो जब बानी ने ये कह के उठी कि मेरी नानी देख रही होगी, तो मैंने कहा आप गिव अप करके उठ रहे हो और मैं 10 घंटे और बैठना चाहती हूँ, मेरा कंपटीशन ही नहीं है कोई। मैंने गौरव को बोला, मैंने कहा चलो और बैठते हैं यार, थोड़ा मुझे भी, मतलब मुझे भी लगे कि मैं कंपटीशन में हूँ। आप उठ के ये कह रहे हो कि नहीं मैं नेशनल चैनल पे पी नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, दिस इज़ अ टास्क। कहते ना आप सड़क पे कर सकते हो, आप टास्क में नहीं कर सकते हो। कितना बुरा लगता है कि एक आम आदमी होके मेरी ये सोच है कि आप जो घर में नहीं कर सकते वो सड़क पर भी मत करिए। मेरी आवाज़ ऊंची है, मेरी आवाज़ बुलंद है, जो 100 लोग भी मेरे सामने खड़े होंगे तो वो अलग से कहेंगे हाँ वो प्रियंका जग्गा है। इसलिए मेरी आवाज़ बुलंद है क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरी आवाज़ कर सकती है वो मेरे हाथ नहीं करेंगे। जब मेरी आवाज़ नहीं कर सकेगी मुझे हाथों का सेल्फ डिफेंस यूज़ करना पड़ेगा, पर जो मेरी आवाज़ से डरेगा, मैं डराना किसी को नहीं चाहती, मैं चाहती मुझे लोग प्यार करें। बट लेकिन आप एक टाइम पर नफ़रत और प्यार एक साथ नहीं कर सकते, या आप नफरत करोगे या प्यार करोगे। प्यार करना बहुत मुश्किल है, नफरत करना बहुत आसान है। प्रियंका, वैसे आम आदमी की अगर हम बात करें तो आम आदमी में से जितने भी लोग हैं सारे सेलिब्रिटीज़ को बहुत ज़्यादा टक्कर दे रहे, तो आपको क्या लगता है कि सेलिब्रिटीज़ बहुत ज़्यादा सेफ खेल रहे हैं, या आपकी क्या राय है उन खेल के बारे में? एक्चुअली सेलिब्रिटीज़ को आदत है कैमरा फेस करने की, हम लोगों ने कभी कैमरा फेस नहीं किया। मैं तो कभी कभी भूल जाती थी बाथरूम से निकल के कि मैं कैमरे के सामने हूँ। देखो घर है, घर में आप अपना कपड़े ठीक करते हो, आई गेस उन लोगों को पता है कि कैमरे के आगे क्या करना है, हमारी इमेज कैसे बचा के रखे, क्योंकि बाहर आके आप लोगों ने ऐसे सवालों के बछार करनी है। हम लोग फिर भी आपको कह देंगे नो मैम, मैंने आंसर नहीं देना, दिस इज़ माई पर्सनल चॉइस, आप मेरे घर के बाहर नहीं खड़े रहोगे। बट उन लोगों को आंसर देना पड़ेगा, नो क्वेश्चन रीजन राइज कि आप लोग उनसे आंसर ना लो। तो वो शायद इसलिए डरे हुए थे अंदर की आम आदमी ने तो कोई जवाब नहीं देना। पर आप लोग भी पूछोगे भाई आप सेलिब्रिटी, आपको कोई लाके नहीं दिया सेलिब्रिटी, आपको बनाया नहीं, आप सिल्वर स्पून में गोल्ड स्पून में नहीं हो क्या आप इतने, मतलब मैंने लोपा को बोला, मुझे लगता था कि मुझे सफाई करनी नहीं आती, बट मैंने लोपा को बोला, मैं कहा झाड़ू तो पकड़ना, कहती मेरी माँ ने मुझे झाड़ू पकड़ना नहीं सिखाया। मुझे इतना बुरा लगा कि हमारी माँ ने क्या ट्रेनिंग स्कूल खोल रखा है, कहती मुझे ट्रेनिंग नहीं मिली। मैंने कहा अच्छा झाड़ू की भी कोई ट्रेनिंग होती है, फिर तो मेरा फर्स्ट नंबर आएगा, झाड़ू में मेरा फर्स्ट नंबर, खाने में मेरा फर्स्ट नंबर, टास्क में मेरा फर्स्ट नंबर। तो आई गेस मेरी आवाज़ ही नहीं, मेरे इरादे भी बुलंद हैं, और कहते हैं ना टास्क हो या ज़िंदगी का टास्क हो, मैं कभी हारी नहीं हूँ। और जनता ने मुझे वोट नहीं किया, वो क्यों नहीं किया बाद में पूछूंगी। बट लेकिन ऑल वेल व्हेन एंड्स व्हेन, मेरा अंत हो गया और अच्छा हुआ मैं बाहर निकला है, नहीं तो वो बेचारे हो जाते।
वैसे टास्क में तो आपने उन्हें पछाड़ा ही, लेकिन एक करवा चौथ वाला जो सीन था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्वेश्चन खड़ा कर दिया। हर कोई जानना चाहता है ये। अच्छा क्या हुआ, अब देखो सबको पता है शिवरात्रि क्या होती है हिंदुस्तान में। आपने शिवरात्रि का व्रत नहीं रखा क्योंकि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ भूखे नहीं रह सकते, पर आप क्या मंदिर जाके शिव जी को नहीं माथा टेकेंगी? टेकेंगी ना। तो मैंने वही करा, मैंने व्रत नहीं रखा क्योंकि मैं अपनी बॉडी के साथ नहीं खेल सकती थी। प्रियंका आपने तो जो किया वो अपने अपनी राय से अपना डिसीजन लिया, अपने राय से आपने पूजा की, लेकिन आपके बाहर आने के बाद में एक न्यूज़ ये भी आ गई थी कि आपके जो बॉयफ्रेंड हैं उन्होंने कोई ऐसा क्लिप, हाँ इस तरह की भी न्यूज़ आई है कि हाँ उन्होंने डाला है कि आपका कुछ डिवोर्स वगैरह हो चुका है, इस तरह की कुछ क्लिप बाहर आई थी, उसमें कितनी सच्चाई है ये आप अपने? मैं बिग बॉस 10 की कंटेस्टेंट हूँ, ठीक है, और जो मेरा आप मेरा मेरी आवाज़ है बुलंद, मेरे इरादे हैं बुलंद। आपको क्या लगता है जिसने ऐसी आवाज़ फैलाई होगी उससे मैं कंपनसेशन नहीं लूँगी? ये मेंटली स्ट्रेस दिया होगा मेरी फैमिली को भी, और अगर मेरा पति नहीं होता तो मैं आप लोगों को बोलती मैं सेपरेटेड हूँ, तो शायद मुझे भी बाहर को लड़का देख के कहता था ये सेपरेटेड है, चल मैं ही शादी कर लेता हूँ। मैं कोई ये झूठ बोलता है कि मैं तुम समझ रही हो, लोग झूठ बोलते हैं कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। आपने उल्टी कहानी सुनाई मुझे, लोग बोलते हैं ना मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं हैप्पीली मैरिड नहीं हूँ। मैं जब से आई हूँ तब से कह रही हूँ मैं हैप्पीली मैरिड हूँ, मुझे कोई पति नहीं चाह रहा, पूरा हिंदुस्तान मेरा भाई, मेरे को बहन बेटी बनाओ, बहन बनाओ। अगर वो लड़का ये कहता कि वो मेरी बहन थी तो शायद उसको ज़्यादा प्रमोशन मिलती। वैसे प्रियंका बाबा जी के कैरेक्टर को लेकर काफ़ी सवाल उठते हैं, आप आपकी क्या राय है, वो कितने फेक हैं कितने रियल हैं आपको क्या लगता? मेरे हिसाब से अगर आप मुझे कहती हो ना कि प्रियंका मैं भूत बुला सकती हूँ, तो मैं आप पे कभी क्वेश्चन नहीं उठाऊंगी, क्योंकि जो इंसान क्वेश्चन उठाता है ना उसको सबसे पहले खुद अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं कौन होता हूँ क्वेश्चन उठाने वाला, हु एम आई, ये कौन है मेरा जो मैं इससे सवाल कर रहा हूँ। वो कहते हैं मैं पानी पे चलता तो चलता होगा, हम क्यों चलवाएं उसको पानी पे? कहते ना जब तक हम नहीं ठीक होंगे तब तक हम सामने वाले से कौन होते हैं सवाल करने वाले। मैं नहीं चल सकती पानी पे, और मैं उसको भी नहीं कभी कहूँगी भाई बुड्ढा कभी मर मर आ जाए चलने के चक्कर में, मैं उसको इतना एक्साइटेड कर दूँ वो चलने लग जाए। मैं कभी ज़िंदगी में नहीं किसी के सवाल, मैं शायद किसी का जवाब बन सकती हूँ, हम किसी से सवाल करने वाले कौन होते हैं? अच्छा बिग बॉस के घर में काफ़ी कहा सुनी होती है, काफ़ी लड़ाइयाँ होती है, रोहन के साथ भी आपकी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन कहीं ना कहीं आपने कहा था कि आप पहले से उन्हें जानती हैं, राइट? हाँ जानती हूँ पहले से, बट खेलने दो उसको, वो खेल खेल रहा है खेलने दो। कहते ना वो भी किसी माँ बाप का बच्चा है, और बच्चा बड़ा प्यारा है, थोड़ा वो भी बदले लेने की भावना से आता था मेरे पास, तो मैं उसको कहती थी यार बदले मत ले, अगर जो तूने मुझे बोला मैंने रिएक्ट किया, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता मैं कैमरे के सामने हूँ कि नहीं हूँ। रिएक्शंस आते हैं, हर इंसान रिएक्ट करता है, मेरा अच्छा रिएक्शन होगा बुरा रिएक्शन होगा, वो मुझसे आके सॉरी कह देता था दीदी ये वो दीदी, तो कोई बात नहीं, वो खेल रहा है जैसा खेल रहा है अच्छा खेल रहा है, खेलते देखते कितनी दूर तक जाते हैं। वैसे अगर खेल की हम बात कर रहे हैं तो प्रियंका आप जब घर में थी तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता था, हर किसी को ये लगता था कि प्रियंका काफ़ी स्ट्रांग है शायद एंड तक जाएगी, लेकिन आपका एविक्शन कहीं ना कहीं शॉकिंग था लोगों के लिए। अब आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से घर में कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है जो आगे तक जा सकता है? मेरे हिसाब से तो ये जनता डिसाइड करेगी, क्योंकि वोटिंग होता है, ये घर किसी के बाप का नहीं है, इंडिया इसे अपना ही घर समझो, क्योंकि इंडिया वाले वोट करते हैं, जो जिसको ज़्यादा वोट करेगा प्लीज़ अपनी चॉइस के वोट करो, अगर मैं बुरी थी तो मुझे निकाल दे, बाकी तो घर में है। वोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस घर के लिए, क्योंकि वोटिंग पे इंसान रुकता है, और किसी को खलनायिका अच्छी लगती है किसी को नायिका अच्छी लगती है, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं पता जनता कैसे वोट करेगी, क्योंकि जनता आम जनता तो आम ही है। तो सेलिब्रिटीज़ के भी बहुत सारे फैंस हैं, मेरे इतने फैंस नहीं थे, और मुझे ठीक है मुझे नहीं पता कौन जीतेगा, ये जनता जिताएगी। चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, लास्टली जाते जाते बस खाली एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं, दिवाली के मौके पर आपका एविक्शन हो रहा है, काफ़ी सारे क्रैकर्स होते हैं घर में भी, काफ़ी एक से एक बॉम्ब होते हैं लोग जो कभी ना कभी फूटते ही हैं, तो आपके हिसाब से अगर रिलेट करना हो किसी को क्रैकर से तो किसे कौन से क्रैकर से रिलेट करेंगे प्रियंका? राहुल देव फुस जो बंदा नहीं, मुझे लगता है वो हमेशा कैमरा जैसे मैं देखती ना वो कहते तो वो फुस बम। उसके बाद लेते हैं गौरव, गौरव एक ऐसा बम है जो फूटना चाहता है पर वो बाद में फुस निकल आता है, वो फूटता है और उसको लगता है यार मैं क्यों फूट रहा हूँ कैमरा देख रहा है। तीसरा वह पानी,
मुझे तो लगता है ये सब कैमरे के आगे ऐसे है, पता नहीं इनके बीच में क्या चल रहा है। इसकी कैमरा का ही है, तो मेरे हिसाब से तो सारे है तो बहुत तगड़े बम, कोई हनुमान बम, कोई हाँ ऐसे ऐसे बम है, बट लेकिन ये फूटेंगे नहीं, क्योंकि पता नहीं मीडिया से कितना डरते हैं। आप लोगों ने पता नहीं कितना डर डाल रखा है उनके दिल में। मुझे लगता है बिग बॉस की 10 की जगह ना मीडिया घर बना दो वो कभी नहीं फूटेंगे, और बड़े अगर नहीं फूटेंगे तो 0 बम है। देखो बम तब मज़ा आता है कि जब आप अपना सब कुछ भूल के खेल रहे हो, आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप हरा रहे हो, तो सेलिब्रिटीज़ की तो हार है पक्का, पर लेकिन वो हार के भी जीते हुए हैं क्योंकि उनके फैन हैं जो उनको पता है अंदर। आम आदमी की बात करें तो अब जनता डिसाइड करेगी। मुझे तो लगता है आम आदमी के खिलाफ है जनता, मुझे तो लगता है सेलिब्रिटीज़ के लायक ही है ये घर, क्योंकि आम आदमी जब देखना ही नहीं चाहता, मेरे ख्याल से आम आदमी को लगता है कि शायद हम यहाँ होते तो अच्छा करते। ये चीज़ हमें निकालनी होगी, क्योंकि जो वहाँ खड़ा है वो अपनी मेहनत से खड़ा है। मैं कहूँ कि अगर मैं मोदी जी की जगह होती अच्छा करती तो देन शेम ऑन माई सेल्फ, क्योंकि जो वो आदमी कर रहा है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो बस चलिए प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी बेबाकी से आपने अपने हर क्वेश्चन का आंसर दिया है। थैंक यू सो मच। दिस इज माई यू नो राइट टू स्पीच। तो बाकी देखते हैं लॉयर क्या करते हैं मेरे साथ। वेल ये तो थी प्रियंका, जिसने बिग बॉस 10 के सफ़र को ख़त्म करके यहाँ तक पहुँची हैं, जिनका इंटरव्यू मैंने आप तक पहुँचाया है। तो अपने लाइक्स एंड कमेंट्स के जरिए बताइए कि आप उनकी हर बात से कितने सहमत हैं। कैमरामैन फैजान के साथ पूजा तिवारी, चलिए साथ।